हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यूज में। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज चुका है अभी, और मैं आया हूँ 6:30 बजे। तो उस समय इतना ठंडी नहीं था, थोड़ा कम था। देख सकते हैं अभी हाफ पैंट में ही चला आया है और हाफ जामा में ही, स्वेटर नहीं पहना हूँ ना फुल पैंट पहना हूँ, क्योंकि उस समय ज़्यादा ठंडी नहीं बुझा रहा था। आया हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध है, देख सकते हैं थोड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जब आया हूँ तो हवा चालू हो गया है, तो हवा भी अभी चल रहा है तो ठंडी भी लगने लगा है। और दोस्तों हमारा काम भी हो गया, तो अभी मैं चल रहा हूँ सीधे घर की तरफ। और धुंध बहुत, काफ़ी धुंध रहते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना दूर का घर सामने है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी चलता हूँ घर पे, और घर पे चल के फिर चाय पियेंगे और 10 बजे के आसपास से चलेंगे फेरी करने। फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर पे। दोस्तों अभी 10:15 बज रहा है और घर से अभी निकल चुका हूँ। दोस्तों गाड़ी जो है ना स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि बैटरी की प्रॉब्लम है। बैटरी शॉर्ट शॉर्ट भी है और ख़राबी भी है बैटरी में। चलते हैं, बैटरी थोड़ा चार्ज कराएँगे, और बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। लगभग आधा घंटा घर पर स्टार्ट करने में टाइम लग गया है, और फिर यहाँ पर आके रुक गया है अपने आप। तो चालू करते हैं, देखते हैं, बहुत टाइम लगता है। टंकी भी खोलते, फिर भी टंकी फुल है। टंकी खोल के गैस बन जाता था तो वो भी करते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि बैटरी शॉर्ट है पूरी तरह से। सिटी सिटी थोड़ा भी नहीं बज रहा है, देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बैटरी चार्ज कराएंगे, फिलहाल चालू करते हैं। परेशानी तो बहुत हो रहा है, और ऐसा परेशानी हो रहा है कि जहाँ पर बंद होता है वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है चालू करने में। चलते फिलहाल चार्ज कराते हैं। दोस्तों यहाँ पे रुके हुए हैं, ट्राउज़र ले गया दिखाने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि पतला है, दिखा के लाते हैं। तो दिखाने ले गया है 5 पीस, देखते हैं लेता है कि नहीं। रुके हुए हैं तब तक, आता है उसके बाद में चलेंगे। भैया ले लिया है, यही भैया लिया है। तो 110 रुपये का ट्राउज़र, बोल रहे हैं पतला है, फिर भी ले लिया है। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल, और पहले तो मोबाइल बैटरी चार्ज कराएँगे, बैटरी शॉर्ट हो गया है। तो अभी 11:15 हो रहा है और अभी चार्ज करा लेते हैं। भैया उधर खोल रहे हैं बैटरी को, तो चार्ज करा लेते हैं। 1 घंटा रुकते हैं, उसके बाद में चलेंगे यहाँ से। और यहाँ तक आते आते हुआ है कितना, 400-500 से भी हुआ है। चार्ज करा के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो बैटरी ख़राब हो गया था, अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे वहाँ से निकला हूँ गैरेज में। दोस्तों बैटरी ख़राब हो गया था, चार्ज किया हूँ 1.5 घंटा, फिर भी चालू नहीं हुआ है। तो फिर जाके जो है ना स्प्लेंडर, पुराना वाला गाड़ी था स्प्लेंडर, उसी में का बैटरी ला करके फिर लगाए हैं, तो फिर चालू हुआ है, यानी कि बैटरी चेंज करना पड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल घूमते हैं, अभी कोने तो होने वाला है अभी। तो अभी 3 गाँव घूमा हूँ, और 3 गाँव घूमने के बाद जो है ना लगभग 300-400 का सेलिंग हो गया है दोस्तों। और दोस्तों टाइम अभी हो गया कितना, टाइम 3:15 हो रहा है। तो चलते हैं, एक गाँव और घूमते घूमते डायरेक्ट से चलते हैं, नाश्ता करेंगे थोड़ा, उसके बाद में नाश्ता करके और घर की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी आ गए होटल में, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। और इस प्रकार का होटल है, देख सकते हैं, मिठाई उठाई यहाँ पे मिलता है ज़्यादा करके, और लिट्टी समोसा। नाश्ता करने में नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता कर रहा हूँ। और आ गया, देख सकते हैं, लिट्टी समोसा है। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलेंगे। टेस्टी मस्त है दोस्तों। दोस्तों ये ससला मतलब बसंतपट्टी चौक है, और बसंतपट्टी चौक पर सबसे भारी होटल यही है, और सबसे मस्त रहता है यहाँ का लिट्टी समोसा। इस एरिया में मैं जब भी आता हूँ तो यहीं पे नाश्ता करता हूँ। 8 रुपये रेट है, लेकिन बहुत मस्त है। जान नाश्ता करके निकलते हैं। दोस्तों अभी फाइनली आ गया हूँ घर, और नाश्ता करने के बाद जो है ना इधर उधर नहीं घूमा, सीधे वहाँ से डायरेक्ट घर की तरफ घूमते हुए आ गया हूँ। और थोड़ा थोड़ा फ्रेश था तभी आ गया, और अभी टाइम हो गया है 6:30। तो चलिए आज देखते हैं टोटल कितना सही हुआ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम, 2.5-3 घंटा समय पास हो गया है। वो मोटरसाइकिल चालू नहीं रहता उसी को सही करवाने में। तो आखिरकार बैटरी बदलना पड़ा, बैटरी बदल देने के बाद जो ऐसे लग रहा था बहुत सारा प्रॉब्लम है गाड़ी में, लेकिन बैटरी खाली बदल दिया उसी में सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, क्योंकि बैटरी ख़राब था उसी वजह से सारा प्रॉब्लम था।
गैस बन रहा था ऐसा लग रहा था, लेकिन वो गैस नहीं बन रहा था, बैटरी चार्ज नहीं था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। बैटरी चेंज कर दिया और सारा ठीक हो गया, तो गाड़ी तो ठीक हो गया। और इधर रखते हैं, ये है आज का सेलिंग इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा समय तो पास हो गया मोटरसाइकिल बनवाने में ही, तो ये गिनती करते हैं टोटल कितना होता है, पहले सब कुछ सरिया लेते हैं। तो दोस्तों सारा सरिया लिया दे सकते हैं, और उधर चिलर जो रेज की जो है ना वो 40 रुपया है, और सबको गिनती करते हैं, इसको गिनती नहीं की वैसे सरियाए हुए हैं, तो इसको गिनती कर लेते हैं कितना है। 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 50, 1350, और उधर है 13, 50 और 40, तो हो जाता है 1390 रुपया। 1390 रुपया जिसमें मैं 230 रुपया लेकर गया हुआ था, तो उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1160 रुपया। तो दोस्तों आज का टोटल सेलिंग 1160 रुपया है। समय बहुत कम बचा, क्योंकि गाड़ी बनवाने में ही टाइम पास हो गया, उसी में 3 घंटा, 3.5 घंटा समय उसी में लग गया। बच्चा है जिसमें फेरी किया है, तो 1160 रुपये का सेलिंग हुआ। चलिए जो हुआ से ठीक हुआ। आज का इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे ऐड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और कुछ राय सुझाव है आपका तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।